हरे कृष्णा दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं समाज को देना चाहते हैं, उनके लिए प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह परीक्षा हर वर्ष की भांति नियमित रूप से आयोजित हो रही है। इस वर्ष कोरोना के प्रभाव से इसके समय में थोड़ी देरी अवश्य है, किंतु यह परीक्षा और इसका पैटर्न क्या है, इसमें आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीधी जानकारी इसकी जो वेबसाइट है वहां से प्राप्त करेंगे। अब हम इस वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका नाम है preDLED.com। preDLED.com जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप DLED एग्जामिनेशन 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको तीन सेक्शन दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड का जो सेक्शन है, इस पर कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था दी गई है। अगर आपने अभी फ्रेश आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, और नहीं है तो आप माता या पिता का नंबर दे सकते हैं, लेकिन आपको सही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो जितनी भी जो सूचनाएं हैं, पासवर्ड है, आपके रोल नंबर है और भी जो जितनी भी जानकारियां होंगी उनके संबंधित आपको जो संपर्क है वो मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर आपको जरूर से देना है। तो मोबाइल नंबर की एक यहाँ पर विशेष बात की गई है। तो आप जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। आपको एक लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद में मिल जाएगी और एक पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको सावधानी पूर्वक ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो 9 जून से प्रारंभ होंगे और इनकी जो अंतिम तिथि होगी वो 10 जुलाई तक होगी, और आपको परीक्षा का जो शुल्क है वो जमा कराने के लिए 2 दिन अतिरिक्त यानी कि 12 जुलाई तक का समय दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें डीएलएड नॉर्मल और डीएलएड संस्कृत, यानी कि जो एक तो सामान्य जो डीएलएड होती है वो, और जो संस्कृत से डीएलएड की परीक्षा होती है जिसको कि पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, इस परीक्षा का आयोजन करने हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट www.preDLED.com। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये फॉर्म खुल जाएंगे। इसके बाद में आपको जनरल गाइडलाइन जो दी गई है ये जरूर से पढ़नी है ताकि आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो देखिए, अब मैं आपको जनरल गाइडलाइंस पर ले चलता हूँ। जनरल गाइडलाइंस क्या कहती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यहां से हम क्लिक करेंगे जनरल गाइडलाइंस पर। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दे रखा है कि इसमें पूरा जो ये 13 पेज का दस्तावेज है इसमें किस किस प्रकार से, सबसे पहले पात्रता क्या होनी चाहिए, परीक्षा का शुल्क क्या होगा, इन सबको हम क्रमवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो डेट दी गई है वो 9 जून 2021 से प्रारंभ है, 10 जुलाई तक चलेंगे रात्रि 12 बजे तक, और 12 जुलाई तक का समय आपको दिया गया है फीस जमा कराने के लिए। यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा यानी कि जो 12वीं परीक्षा जो आप उत्तीर्ण करते हैं उसमें आपको सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको 50% अंक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एसटी एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 45%, ओबीसी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 45%, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी 45%, और सामान्य वर्ग की जो विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए 45% का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी 2021 में तो 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने साफ लिखा है जो आवेदक वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस वर्ष आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है,
और वो आपको किस प्रकार से अंक तालिका जारी करती है, किस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा, ये सब सरकार का काम है। तो आप अपना बिना संकोच के ही फॉर्म भर सकते हैं। आयु के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो आयु है वो 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं और तथा राज्य के शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, वो डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनकी आयु में कोई बंधन नहीं दिया गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रावधान है उसके अनुसार उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। लेकिन एक सामान्य अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको 28 वर्ष से अधिक आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को नहीं होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको pdled.com या फिर pdled.in में आप जा सकते हैं और वहां से आप आवेदन करेंगे। और आपको अगर आपको ये जो फॉर्म है अगर आप खुद भरने में समर्थ नहीं है, वैसे तो आपको खुद ही भरना चाहिए, मेरी सलाह तो यही है, क्योंकि आप जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार के फॉर्म खुद भरना आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास में सुविधाएं नहीं है तो आप ई मित्र पर जा सकते हैं और ई मित्र जो होगा आपसे 30 रुपये परीक्षा शुल्क का जो होगा उसके अतिरिक्त वो आपसे 30 रुपये परीक्षा के शुल्क को जमा कराना और आवेदन फॉर्म भरना, इन दोनों से मिलाकर के वो 30 रुपये लेगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि ये साइट से भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ही करना है। विशेष बात यह है कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो अपने पास संभाल के रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग के समय उसको जमा करवाना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर साफ लिखा है कि डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्था जो होगी उनमें से आप किसी एक पाठ्यक्रम को चुनना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये जो है आपको देने होंगे, भरने होंगे। अगर आप दोनों पाठ्यक्रमों से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 450 रुपये आवेदन शुल्क होगा। आपको कहा गया है कि आप विशेष दिशा निर्देश जो है, जो कि हम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उनको आप पढ़ें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। सूचनाएं आपको SMS से दी जाएंगी, इसलिए आपको मोबाइल नंबर का मैंने पहले ही बताया। कार्यालय का जो समय है वो 5 बजे तक रहेगा, शाम को 10 से 5 बजे तक। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है 0151-222-6570। ईमेल ID freedeled@gmail.com यहाँ पर दी गई है। वेबसाइट यहाँ पर दो हैं, ये freedeled.com और freedeled.in, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको और सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको फोटो जो है आपका रंगीन फोटो होना चाहिए, अंगूठा की निशानी होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, इनकी फाइल साइज दे रखी है। फोटो जो है वो 100 KB की होनी चाहिए, अंगूठे की निशानी 75 KB की और हस्ताक्षर जो अधिकतम 50 KB के हो सकते हैं। इनका फाइल फॉर्मेट जो होगा वो JPG, GIF और BMP फॉर्मेट आप रख सकते हैं। अगर आप ई मित्र से भरवाएंगे तो इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं है, मित्र वाले अपने आप भर देंगे। और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में जनरल के अलावा आते हैं तो आपको ये जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको साथ में रखने हैं। और हार्ड कॉपी के बारे में विशेष तौर पर यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि आपको हार्ड कॉपी सुरक्षित रखनी है। घोषणा का पत्र जो है वो, प्रमाण पत्र की जो सत्यापित कॉपी है वो आपको अपने पास में रखनी है। यहाँ पे कहा गया है कि साफ साफ देखो जो मैं कह रहा था वो लिखा है यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानी पूर्वक भरवाए। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफे ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचना अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक जांचने के पश्चात ही ओके करें। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने प्रमाण पत्र साथ रखें एवं उसी के आधार पर प्रविष्ट करें। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि गलती हो जाएगी फिर आप उसको करेक्शन करने के लिए दौड़ भाग करेंगे, करेक्शन का मौका दिया भी जाए ना दिया जाए, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि गलती ना हो। आपकी जो परीक्षा उसके प्रवेश पत्र होंगे जो इसी वेबसाइट यानी कि freedeled.com या freedeled.in पर उपलब्ध रहेंगे और आप इस साइट को बार बार विजिट करते रहे। कोई भी जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो डाक द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा, यहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर साइट पर भी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताऊंगा, वो दिए गए, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि कोई विवाद हो जाता है तो बीकानेर जिला न्यायालय जो है, क्योंकि ये जो आपका प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय वो बीकानेर से है, तो वहां पर बीकानेर जिला न्यायालय आपका विवाद का जो क्षेत्र होगा, न्यायिक क्षेत्र। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो NCT जो है अपना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उसके मापदंड के अनुसार होना अनिवार्य है। जो भी उन्होंने योग्यता बता रखी है 12th में इतनी परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी बातें। और यहाँ पर लिखा है कि आप यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा। अब बात यह है कि अगर आपने किसी और बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है 10वीं या 12वीं की
तो उस स्थिति में अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसको मान्यता प्रदान करता है तभी वो पात्र होगा। तो आपको ये लिस्ट देख लेनी होगी कौन कौन सी जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानता या नहीं मानता, तो उसको आप पहले अपनी योग्यता जो है उसको जांच लें, उसी के पश्चात आप आवेदन करें। फिर आगे इसमें कहा गया है कि जो आवेदक वर्ष 2021 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की दिनांक तक नहीं दिए जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बातें महत्वपूर्ण है, पर इसमें आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को निश्चित रूप से पूरा करेगी। आपका परिणाम पहले ही आ जाएगा काउंसलिंग से पहले, और वो आयु वाली बात यहाँ पे पुनः बार बार लिखी गई है, रिपीट हो रही है। तो आप इनको इन सब बातों को आप डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसमें देखो EWS सॉरी OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए जो जारी प्रमाण पत्र है वो इसमें 3 वर्ष तक का जो प्रमाण पत्र होगा उसको ही मान्य किया जाएगा, शपथ पत्र वगैरह क्रीमी लेयर वगैरह का, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है यहाँ पर। और यहाँ पर शुल्क के लिए बताया गया है कि वो अपना बैंक खाता खुलवा लें, क्योंकि तो अगर आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका शुल्क जो वापस भी आएगा, तो उस हिसाब से नहीं तो आप किसी और के से करेंगे तो उसी के खाते में फिर वापस आएगा, है ना। तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि आप किस खाते में अपना पैसा वापस चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां दे रखी हैं, आप उसको डिटेल से पढ़ें, जो भी जानकारियां आपके ऊपर लागू होती हैं उन्हीं को आप ध्यान में रखें, तब जा करके आप इस फॉर्म को भरें। परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा की तिथि से 7 दिवस पूर्व आपके आवेदन पत्र वो सॉरी एडमिट कार्ड जो है वो वहां पे साइट पर डाल दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट को प्राप्त कर सकेंगे, अवलोकन के पश्चात ये सुनिश्चित करेंगे कि वो सभी प्रश्न पूरे हैं, कोई प्रश्न कटा फटा तो नहीं है, वो आवाज सीट कटी फटी तो नहीं है, तो 10 मिनट के अंदर आप उसको बदलवा सकेंगे। और ये सारी परीक्षा संबंधी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो बात है वो करेंगे अपन, प्रश्न पत्र जो होगा वो किस प्रकार से होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो आपको चार कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। सबसे पहले जो सेक्शन ए होगा वहां पर आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अंक 150 होंगे, राजस्थान के सामान्य जानकारी के भी 50 प्रश्न होंगे, शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न होंगे। और जो सेक्शन डी होगा उसमें 3 भाषाएं अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी के क्रमशः 20, 30 और 30 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 200 होगी। और आपको जो अलग अलग जो उपखंड है उनको आपको हल करना होगा, और इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी का भाग जो होगा वो आपको सभी को हल करना आवश्यक होगा, और संस्कृत का भाग जो होगा अगर आप DLED संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो संस्कृत का भाग करना है, और अगर आप सामान्य के लिए कर रहे हैं तो आपको हिंदी वाला भाग करना है। ये जो अंग्रेजी तो सबके लिए अनिवार्य है, इसके बाद में जो संस्कृत है वो संस्कृत DLED संस्कृत वालों के लिए, और सामान्य वालों के लिए हिंदी को वो ऑप्ट करेंगे वहां पर एग्जाम में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओमर सीट को अच्छे से बनना है, गोले करने वगैरह ओमर सीट पे डिटेल भी दे रखी होती है, तो उसको आप ढंग से पढ़ें। यहाँ पे भी लिखा हुआ है काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के आप इस दस्तावेज को जरूर पढ़ें इससे पहले आप फॉर्म में अप्लाई ना करें। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दे रखा है आपका, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीज आएंगी, राजस्थान की जो जनरल अवेयरनेस है उसमें क्या क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में जितनी भी बातें हैं उनसे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो, किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्या जानकारी चाहिए, तो हम आपका निश्चित रूप से सहायता करने की प्रयास करेंगे। इंग्लिश के यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, संस्कृत यहाँ पर साफ लिखा हुआ है केवल ऐसे विद्यार्थी जो DLED संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वो करेंगे, और हिंदी सामान्य वाले करेंगे ही। तो इसमें आवेदक के द्वारा घोषणा का जो फॉर्म है ये दे रखा है, सत्यापन का फॉर्म दे रखा है कि आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाने होंगे, आपको जो अप्लाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये विशेष बातें यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए दे रखी है, और ये विशेष सूचना यहाँ पर दे रखी है कि आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि योग्यता अगर आपकी नहीं होगी तो प्रवेश हेतु आपको पात्र नहीं माना जाएगा, और इन सब बातों को आप ध्यान में रखकर ही इस फॉर्म को भरें। सबसे पहले आपको 13 पन्नों का ये जो दस्तावेज है जरूर से पढ़ना है। इसके बाद में हम पुनः वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की और कोई दिक्कत आती है इसको भरने में, तो यहाँ पर आपको जो संभाग हैं अलग अलग राजस्थान के, इन सभी संभागों के अनुसार हेल्पलाइन दे रखी है आपको कि आप चाहें तो इन जैसे अजमेर में इस नंबर पर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर में आप यहाँ पर समाधान, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
एक सतर्कता केंद्र बनाया गया है कि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये इनका एड्रेस है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर प्री डीएलएड एग्जाम 2021 एंड रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एग्जाम्स बीकानेर, डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन कैंपस लालगढ़ बीकानेर, ये सारी चीजें। ईमेल आईडी जो है preedlead@gmail.com, हेल्पलाइन यहाँ पे दे रखी है। रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, ये तो अगर आपका कोई पैसा कटने में कोई दिक्कत होती। कुल मिलाकर के इस वेबसाइट पर आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी मैंने आपसे चर्चा की है। डीएलएड के फॉर्म के संबंध में आपको किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए हो, कोई डाउट जो हमसे बताने में रह गया हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हमें आपको मदद करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारे वीडियो से को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा।